सियासी स्वार्थ में अगर कोई नेता मुफ्त पेट्रोल देने का वादा कर दे तो देश का क्या हाल होगा, ये पीएम मोदी के शब्द हैं। रेवड़ी पॉलिटिक्स पर मोदी ने निशाना साधा तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मोर्चा संभाल लिया। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, दूध पे जीएसटी लगा दिया, छाछ पे जीएसटी लगा दिया, दही पे जीएसटी लगा दिया, पूरे देश का टैक्स पेयर धोखा महसूस करता है। मुफ्तखोरी, मुफ्त की रेवड़ियां, मुफ्त की सियासत, मुफ्त की सुविधाएं और भी न जाने क्या क्या। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से मुफ्त वाली पॉलिटिक्स की हवा निकालने की कोशिश की तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सामने आ गए। आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ने उसे अपने ऊपर सीधा हमला मान लिया। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। मौका था पानीपत में एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन का, प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़े हुए थे। इसी में उन्होंने मुफ्त की सियासत को देश के लिए भविष्य के लिए खतरा बता दिया। प्रधानमंत्री की बात का सबसे ज्यादा असर केजरीवाल पर हुआ। शायद यही वजह रही कि बिना देर किए उन्होंने वीडियो रिलीज कर दिया और प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होगा, तब होता है जब उनसे टैक्स लेके और उस टैक्स के पैसे से अपने चंद दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ किए जाते हैं। तो टैक्स पेयर देखता है, सोचता है, यार पैसा तो लिया था मुझसे और ये कह के लिया था कि आपके लिए सुविधाएं बनाएंगे और मेरे पैसे से अपने दोस्तों के कर्जे माफ कर दिए। पूरे देश का टैक्स पेयर धोखा महसूस करता है। टैक्स पेयर देखता है कि यार मेरे से तो टैक्स लिया, पूरे देश के अंदर खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, दूध पे जीएसटी लगा दिया, छाछ पे जीएसटी लगा दिया, दही पे जीएसटी लगा दिया और अपने दोस्तों के, बड़े बड़े अमीर दोस्तों के टैक्स माफ कर दिए, उनको टैक्स में रिलीफ दे दिया, रिबेट दे दिया टैक्स के अंदर बड़े बड़े लोगों को। तो एक आम आदमी सोचता है यार हमसे तो धोखा हो गया। केजरीवाल ने सिर्फ मोदी नहीं कांग्रेस को भी लपेट लिया और मांग कर डाली कि प्रधानमंत्री जिसे मुफ्तखोरी या मुफ्त की सियासत कह रहे हैं उसी पर एक जनमत संग्रह हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केजरीवाल का तर्क है कि जब बड़े कारोबारियों का बैंक लोन माफ हो सकता है तो फिर महंगाई से त्रस्त गरीब जनता को कुछ सुविधाएं मुफ्त में क्यों नहीं दी जा सकती। आज तक ब्यूरो।